कोरोना काल से जहां हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, वहीं धर्मशाला चाय उद्योग की बात की जाए तो इस उद्योग को कोरोना काल का लाभ मिला है। सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन ये सच बात है, क्योंकि असम और दार्जिलिंग में लॉकडाउन लंबा चलने के चलते वहां उत्पादन प्रभावित हुआ है। जबकि कांगड़ा घाटी के धर्मशाला चाय उद्योग की बात की जाए तो इन्हें समय पर अनुमति मिलने के साथ समय पर कार्य शुरू हुआ और चाय उद्योग को फायदा पहुंचा है। यही नहीं, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रति किलोग्राम चाय का रेट भी 50 रुपए अधिक मिल रहा है। विदेशों में जर्मनी और नीदरलैंड में 3000 किलोग्राम चाय भेजी गई है। इस वर्ष धर्मशाला चाय उद्योग का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 15000 किलोग्राम अधिक है। पिछले वर्ष अब तक धर्मशाला चाय उद्योग ने 1.37 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ था, जबकि इस वर्ष अब तक 1.52 लाख किलोग्राम चाय उत्पादित की जा चुकी है और सीजन खत्म होने तक प्रबंधन को 1.65 लाख किलोग्राम उत्पादन की उम्मीद है। चाय उद्योग प्रबंधन के माने तो सितंबर माह से बारिशें बंद हैं। ऐसे में यदि बारिशें होती रहती तो यही उत्पादन 1.85 लाख किलोग्राम तक पहुँच सकता था। गौरतलब है कि कांगड़ा घाटी में उत्पादित होने वाली चाय की देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेशों में भी खासी मांग रहती है। हालांकि धर्मशाला चाय उद्योग प्रबंधन कोरोना की वजह से लॉकडाउन में चिंतित था, लेकिन समय पर अनुमति मिलने से चाय उद्योग को लाभ पहुंचा है। धर्मशाला चाय उद्योग के प्रबंधक अमनपाल सिंह ने बताया कि कोरोना काल का नुकसान के बजाय फायदा हुआ है, क्योंकि उत्पादन समय पर शुरू हो गया था। पिछले वर्ष की अपेक्षा प्रति किलोग्राम रेट भी 50 रुपए अधिक मिल रहा है। वहीं इस बार बरसात में बारिश अच्छी होने से उत्पादन भी अधिक हुआ है। सितंबर के मध्य से बारिश ना होने की वजह से कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक है और यदि बारिशें होती रहती तो उत्पादन में और इजाफा हो सकता था। हमने मार्च के लास्ट में लॉकडाउन के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तो उसके बाद कंटिन्यूस हमारी प्रोडक्शन चल ही रही है। बीच में हमारी प्रोडक्शन कहीं भी बंद नहीं हुई, तो उसकी वजह से और हमें जो जून के महीने में अच्छा रेनफॉल मिल गया, एक कारण ये था। तो प्लस हमारा जो जुलाई और अगस्त में भी रेनफॉल अच्छा हो गया, उसकी वजह से जो क्रॉप वाइज है, हम लोग इस साल लास्ट ईयर से 15000 केजी अहेड चल रहे हैं। इस साल हमारी चाय नीदरलैंड्स और जर्मनी गई है, तकरीबन को 3000 किलो हमारी चाय यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हुई है। 15 सितंबर के बाद जो बारिश नहीं हुई है, उसकी वजह से हमारा 8 से 10 हज़ार किलो टी मेड का नुकसान हुआ है। 8 से 10 हज़ार हम लोग ज़्यादा कर सकते थे, जैसे अभी जो एक्सपेक्टेड है 1,60,000 के करीब बनेगी, नहीं तो 1,70,000 तक तो बनती ही। क्रॉप का सीज़न इस बार रेट्स भी अच्छे मिले हैं हमें। लास्ट ईयर से हम लोग पर केजी तकरीबन 50 रुपये आगे चल रहे हैं हम लोग। ये तकरीबन आप ले लीजिए जी 270 रुपये अभी तक हमारी एवरेज जो चल रही है, और अगर ये सिर्फ कलकत्ता में जो हुई है, और अगर एक्सपोर्ट और रिटेल को भी लेंगे तो वो 300 रुपये से ऊपर है। पिछले वर्ष की अपेक्षा हम लोग तकरीबन कोई 16 से 18 हज़ार केजी टी मेड हम लोग पिछले साल से आगे रहेंगे।